गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम पूनम एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ग्रॉसरी शॉपिंग इन अमेरिका. सो टूडे वी आर गोइंग टू शॉप ग्रॉसरी आइटम्स बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया एंड इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड. और अभी आज है 5 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड. वी हैव डन सो मैनी लेयरिंग्स बिकॉज यहाँ पर अभी हमने विंटर्स की कुछ खास क्लोथ शॉपिंग नहीं करी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में ही रहते हैं तो घर में तो हीटर चलता ही है ऑल द टाइम. तो इसीलिए आई थिंक इतने कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है. बाहर जाना पड़ता है एक दो बार फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग या कुछ खरीदारी के लिए तो तब बस लेयरिंग से काम चला लेते हैं. लेकिन हाँ 1 या फिर 2 डिग्री पे लेयरिंग भी काम नहीं आती है बिलीव मी. सो लेट्स जस्ट गो आउट एंड आई विल शो यू द ग्रॉसरी स्टोर्स ऑफ अमेरिका. लेट्स बिगिन. ओके सो हम निकलते हैं. काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, धूप है उसके बाद एंड हम ये ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं बिकॉज हैवी ग्रॉसरी शॉपिंग होने वाली है. सो हाथ में कैरी करना शोल्डर पे थोड़ा सा टफ रहेगा, इसीलिए इस ट्रॉली बैग में आराम से सामान आ जाएगा. लोग यहाँ पे ऐसे ही ट्रॉली बैग्स लेके जाते हैं, नहीं तो फिर वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए अलग से एक ट्रॉली बैग आती है वो लोग परचेज करते हैं अपने साथ. सो अगर मैं INR में बताऊँ तो वो 1000 के आसपास का बैग मिलता है जो ट्रॉली बैग होता है जो जनरली लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ लोग अक्सर बल्क में खरीदते हैं. सो एक ही बार जाके हफ्ते भर का राशन या महीने भर का राशन ले आते हैं. सो इसीलिए हम जा रहे हैं इस ट्रॉली बैग को लेके. सो गाइज डोंट गो बाय माय लुक. विंटर में फैशन की ऐसी तैसी हो जाती है. यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट, कोई आपको जज नहीं करेगा. सो मैंने ये बांध लिया है बिकॉज बहुत ठंड है, इतनी धूप है. मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छी खासी धूप हो रखी है, अच्छी खासी सनलाइट है, बावजूद भी इसके बावजूद भी इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब ठंडी हवा चल रही है. तो इसीलिए मुझे नेक पे बांधना पड़ा ये स्टोल क्योंकि सर में सबसे ज़्यादा ठंड लग जाती है तो सर दर्द होने लगता है एंड अभी धीरे धीरे करके फिर नाक से पानी रहना भी स्टार्ट हो जाएगा, स्किन एकदम ड्राई ड्राई फील होगी, लिप्स चैप्ड होने स्टार्ट हो गए हैं, हैंड्स एकदम कोल्ड में ना हाथ बिल्कुल फील ही नहीं होते, यू कांट फील योर हैंड्स. सो आज चलते चलते हम अमेरिका की कुछ चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे. हम आफ्टरनून में निकले हैं पहली बार, इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है रोड्स पे कुछ पब्लिक सर्वेंट्स थे जो रोड क्रॉस करने के टाइम पे गाइड कर रहे थे बिकॉज ये जो टाइम है ये स्कूल की छुट्टी का टाइम है. इसीलिए ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप ये स्कूल है, इसीलिए जो किड्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नज़र आ रहे हैं. प्लेग्राउंड्स में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स किड्स को लेके बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है. तो यहाँ पर अभी हमें रोड क्रॉस करना है, उस साइड जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रेस करेंगे बटन को, ठीक है. अब वो जो देख रहे हैं आप रेड कलर का हैंड सिंबल, वहाँ पे वॉकिंग सिंबल आ जाएगा. तो लेट्स वेट. ओके कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही थी इसीलिए हम बिना वॉक सिंबल से पहले ही आ गए. दिस इज जर्सी सिटी का पब्लिक लाइब्रेरी. ये सिटी बाइक्स यहाँ बहुत पॉपुलर है और ये है न्यू जर्सी का पब्लिक बस. सिंबल हो गया है गाइस, ये काउंट कर रहा है 20 सेकेंड्स का काउंट करते हैं. हम सबसे पहले जा रहे हैं अपना बाजार. अपना बाजार में हम पहले रेट्स पता करके आते हैं. ओके ये पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन है और आटा की चल रही है तंगी तो हमें आटा नहीं मिल रहा है गाइस. यही 17 वहीं पे भी 17 ही दिखाते हैं. ये लक्ष्मी इडली वाला इडली है ना, दाल चावल आटा ले दूध 1 गैलन 4.69 BSLV मतलब कि 10 किलो के आसपास होगा. सो यहाँ अमेरिका में इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे इंडिया की हर एक छोटी से छोटी चीज़ अवेलेबल होती है, वैरायटीज बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जूसेस. तो अपना बाज़ार कैश इन करी में हमने अभी सारे आइटम्स के प्राइसेस और सब चेक कर लिया है. अब एक बार हम बिग बाज़ार चलते हैं. वैसे तो सामने डीमार्ट भी है बट उसमें नहीं जाएंगे हम बिकॉज उसमें हमेशा हाई रहता है. ये देखिए ये है डीमार्ट, इंडियन स्ट्रीट है इस पूरी गली का नाम ही इंडियन स्ट्रीट है बिकॉज जर्सी सिटी में हैं बहुत सारे इंडियंस, इसीलिए ये पूरी गली डेडिकेटेड है हम इंडियंस के लिए. और यहाँ पे इंडिया के सारे स्टोर्स अवेलेबल है, इंडिया का हर एक सामान पूजा पाठ पान तक की सब कुछ अवेलेबल है.
गाइस अभी हमारे पीछे भी एक लोग गए हैं जो कि ऐसे ही ट्रॉली बैग्स लेके जा रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन. ये वाला वो एरिया है जहाँ पे जनरली जैसे कि नवरात्र या फिर गणेश चतुर्थी इन सब का यहाँ पे पूजा होता है. और हम पहुँच गए हैं बिग बाजार. लेट्स एंटर. स्टोर के बाहर ही वो प्रोडक्ट्स को रख देते हैं जो कि सेल पर होते हैं और वहाँ प्राइसेस लिख देते हैं. ये मिल रहा है पार्ले जी 10 for $1. ये पानी के कैंस. वी वर लुकिंग फॉर राइस एंड आटा. राइस हमें समझ नहीं आ रहा. अभी तक हम बासमती लेते थे लेकिन अभी सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं. और आटा तो अवेलेबल ही नहीं है स्टोर्स पे. यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कनाडा का आटा जो कि डूरम वीट का है. पता नहीं क्या होता है. ये टैटू ले लिया है गाइस. यहाँ पे 1.29 का है. मसालों का सेक्शन है गाइस. तो सीरियल्स एंड पल्सेस हम दिवाली सेल के टाइम भी ले जा चुके हैं. तब काफ़ी सही रेट पे मिल रहा था और अभी प्राइस फिर से नॉर्मल पे आ गया है. यहाँ पे प्राइसेस का चक्कर समझ नहीं आता. कभी भी बहुत हाई हो जाता है और कभी एकदम से गिर जाता है. हमेशा देखना पड़ता है. जा रहे हैं पटेल ब्रदर्स. सो पटेल ब्रदर्स में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी दोनों स्टोर से एक्सपेंसिव है. बस सोया बड़ी यहाँ पे सही रेट पे मिल जाता है और एक दो वेजिटेबल्स जो ख़राब होने को लगती है वो थोड़ा सा डिस्काउंट पे लगा देते हैं. रेफ्रिजरेटेड सेक्शन. वी वर डन. हम आधे रास्ते आ चुके हैं घर जाने के. बड़ी मुश्किल से हमने सामान इसके अंदर. बहुत ठंड है. नाक से सुरसुर हो रही है. ये है स्कूल बस. नाउ वी आर बैक होम. अब जो भी ग्रॉसरीज लिए मैं उसका हॉल और साथ में आपको प्राइसेस बताऊंगी. सो वेट, उससे पहले यहाँ रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखा है. लेट मी रिमूव जैकेट. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको झाड़ू दिखाती हूँ. ब्रूम लिया है. यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के ब्रूम्स अवेलेबल थे लेकिन वो इंडियन वाला जिसमें से भूसा निकलता है वो वाला झाड़ू नहीं था. ये प्लास्टिक का झाड़ू है. कुछ फ्लैट झाड़ू भी थे तो ये वाला झाड़ू जो था चीपेस्ट था वो था ये था $3 समथिंग का. सो तीनों स्टोर्स के प्राइसेस कंपेयर करने के बाद हमने लोएस्ट प्राइस के आइटम लिया और वही मैं आपको बता रही हूँ. नाउ लेट्स अनबॉक्स. खोलते हैं अपना पिटारा और इस पिटारे में से सबसे पहले निकला है ये मैगजीन न्यूज़पेपर. यहाँ हर स्टोर्स पे न्यूज़पेपर मैगजीन मिलते हैं तो कोई भी उसको उठा सकता है. ये है सेम की सब्ज़ी ली है. ये है मूँगफली. ये है पटेटोज और उसके बाद ये है पनीर. 14 ओजी पनीर था. ये है सोना मसूरी राइस. हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं. ये है आटा. जैसे मैंने बताया कि आटा की चल रही है यहाँ पे क्राइसिस तो इंडियन कोई भी आटा अवेलेबल नहीं है तो हमें कनाडा का आटा ही लेना पड़ा. ये है पार्ले जी का बिस्किट और ये कैबेज है जो कि वेजिटेबल्स में सबसे चीप रेट पे था. और ये है मिल्क. तो सभी के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखते होंगे. आई होप वीडियो पसंद आया हो. दैट्स इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.